नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, 1000+ प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, और इसमें अब तक मैं आपको 750 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम दोस्तों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 751 से। दोस्तों, इस सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी कंप्लीट ये जो PDF है 1000+ प्रश्नों की, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 751। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पे चाइना, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 751 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 752, भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशाकरी प्रहार भारत सेना द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है, और इसे पश्चिम बंगाल में किया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। त्रिशाकरी प्रहार कहां किया गया है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना की शुरुआत की? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किन भारत महिलाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर, प्रियंका चोपड़ा, सिरसा बांदला और गीतांजलि श्री, इन सभी महिलाओं को 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। बीबीसी की जो 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है उसमें इन महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो हाइकुन का अनावरण क्या है? ताइवान ने, ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाइकुन। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के एकता नगर में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, गुजरात में भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। देश के स्टीलमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो जमशेद जे ईरानी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इन्हें देश के स्टीलमैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टीलमैन ये कहे जाते हैं, जमशेद जे ईरानी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। किस शहर में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर यूटा D1 का लोकार्पण किया गया है। इसका नाम क्या है? यूटा D1, जो कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर है, और इसका उद्घाटन क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है? तो ये मानगढ़ धाम है, ये कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में, और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। बाल दिवस मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है 10 बाल दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 14 नवंबर को, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट है, यहां पे
इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान किसने प्राप्त किया है? तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भोपाल में है इंदौर शहर और इसको सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरा स्थान, ठीक है, फर्स्ट स्थान हो गया इंदौर स्मार्ट सिटी का, दूसरा स्थान प्राप्त किया है गुजरात के सूरत ने, और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा ने प्राप्त किया है। जबकि अगर राज्य की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, दूसरा पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को, और तीसरा पुरस्कार राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है त्रिपुरा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इससे पहले उत्तराखंड, दूसरा है यूपी और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये तीन राज्य जो कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ कर चुके हैं और चौथा राज्य बन चुका है त्रिपुरा। नेक्स्ट, यहां पे वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 768 है विश्व गेंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस के रूप में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफ्लिसिया जीनस का संबंध किससे है? तो रेफ्लिसिया जीनस जो कि विलुप्त के करीब है और इसका संबंध है फूल से, ये क्या है? फूल है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया जीनस, और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो सबसे छोटा है वोल्फिया, वोल्फिया। तो सबसे बड़ा जो ये फूल है रेफ्लिसिया जीनस, इसका जो मतलब कुल मिलाकर विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है, तो इसका बी ऑप्शन है सही आंसर। नेक्स्ट, यहां पे हाल ही में सिंध जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहां हुई? तो ये हुई है वियना में। हाल ही में किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो क्रीटेश्वरी, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है क्रीटेश्वरी गांव, ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का गांव है क्रीटेश्वरी गांव, और इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई है? उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। नेक्स्ट, यहाँ पे प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रुद्रप्रयाग को, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पे केरल, केरल की मेजबानी में पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट, यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? तो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा कलियर शरीफ में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 776, किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है? इंडो पैसिफिक टेक दूत की यहाँ पे घोषणा की है ब्रिटेन, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में भारत ने कहां पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे नारा देने वाले व्यक्ति, तो ये नारा दिया है भगत सिंह कोश्यारी ने, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किस भारतीय जिले ने ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड ने, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वायनाड कहाँ का जिला है? केरल का जिला है, और इसने ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 780 का हो जाएगा सही आंसर चंडीगढ़ में।
781 है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कैप्टन करणाल को, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान, जो कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, और ये भी कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। प्रथम कौन थे? जनरल बिपिन रावत। दूसरे कौन है? अनिल चौहान सीडीएस, ठीक है, और ये भी उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहला पुरस्कार ए ऑप्शन हो जाएगा। 784 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस आईआईटी ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्टरू विकसित किया है? तो प्रोजेक्ट कार्टरू ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने साइलेंट बर्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है चाइना ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चाइना में साइलेंट बर्कर परियोजना, ठीक है, परियोजना का नाम क्या है? साइलेंट बर्कर, और इसके तहत इसने 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट, यहां पे किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारत ने। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियं सेन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम मनाया गया, तो थिरु ओणम मनाया गया है केरल में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती और राजा बलि के स्वागत के लिए मनाया जाता है थिरु ओणम, कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली कार कहां लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में, और ये कार है टोयोटा इनोवा की। 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली ये कार है। नेक्स्ट है, सिक्स एंड मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है जेपी नड्डा ने, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। अगला है, भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की? तो दिल्ली में। कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? तो साल 2023 की पहली भारतीय जो यूनिकॉर्न बनी है वो बनी है जेप्टो। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत ने किस देश को मिसाइल कोवेंट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो वियतनाम। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुंधति राय को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है अरुंधति राय को। किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। क्वेश्चन नंबर 798 है, किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 153 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 153 लाख लोगों की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 800 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यानी लैंगिक समानता के मामले में? तो 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने ये रिपोर्ट जारी की है। किसने रिपोर्ट जारी की है? WEF ने, और इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में
127वां स्थान, ठीक है, 127वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। अभी 2023 की बात है, ठीक है, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में भारत 135वें स्थान पर था और अब भारत 127वें स्थान पर पहुंच चुका है 2023 में। दोस्तों तो यहां पे 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन बचे हुए हैं ये 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में, और जल्द ही हम इसको भी समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।